इसमें तो कैमरे कौन है? हाँ जी, चलिए सर शुरू करते हैं इसे। सर पहली क्लास है हम लोगों की। सर ये हम लोग जो शुरू कर रहे हैं अपना BNN, इसको बोलते हैं सर। BNN का मतलब क्या है सर हमारा? तो इसका मतलब है सर हमारा भृगु नंदी नाड़ी। तो जो सर इसकी शुरुआत जो करी थी ना, अगस्त्य ऋषि जी ने इसकी शुरुआत करी थी। काफी ऋषियों का उसके अंदर सहयोग रहा, फिर माँ पार्वती जी के सामने इसे रखा गया। इसके लिए सर ये ना बहुत पुरानी थ्योरी है हमारी। एक आपने सुना होगा सर भृगु संहिता, एक भृगु संहिता, वो किसने लिखी थी सर? हमारा भृगु ऋषि ने लिखी थी, जो भृगु रही संहिता थी हम लोगों की। और इसी तरीके से हमारी थी एक नंदी नाड़ी जो लिखी गई थी हमारी नंदेश्वर राव जी के द्वारा। तो आरजी राव जी ने क्या किया सर, इनका मिश्रण किया जिसको नाम दिया गया आपका भृगु नंदी नाड़ी। तो सर जैसे जो हम लोग एक केपी की भी बात सुनते हैं ना, तो केपी हम लोगों को पता है नक्षत्रा पर चलता है। तो ये नक्षत्रा से भी पहले की स्टोरी है सर, जो ये हमारा BNN है। तो ये नक्षत्रा से भी पुराना है हमारा देखा जाए तो ये पुरानी स्टोरी है हमारी इसके अंदर। सर इसके अंदर ना हम लोगों के कुछ रूल आते हैं, तो ये उस रूल पर टिका हुआ है। इसके अंदर अगर हम लोग देखा जाए सबसे अच्छा पैटर्न क्या है, अगर हम लोग वैदिक की बात करते हैं तो वैदिक में भी हम लोगों के पास एक डिविजनल चार्ट हो जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास डिविजनल चार्ट नहीं है, बस एक चार्ट है हमारे पास D1 चार्ट, जिसको देखकर हम लोगों को प्रिडिक्शन करना है। और एक सबसे अच्छी चीज क्या है सर इसके अंदर, ये चीज सबसे अच्छी है कि आप BNN के द्वारा किसी भी चीज का बता सकते हैं। जैसे आपको उसके दादा के बारे में जानना है, आपको नाना के बारे में जानना है, आपको किसी के ब्रदर के बारे में जानना है, हस्बैंड के बारे में जानना है, आप किसी भी चीज के बारे में BNN से बता सकते हैं। BNN इतना सुंदर टूल है सर कि इससे आप किसी भी प्लेनेट के पकड़कर किसके बारे में हम लोगों ने बात करनी है उसके बारे में हम लोग इससे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारी चीज रहेगी। अब इसमें ही सर जो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का आ जाता है ना, तो इसके अंदर जो हम लोग देखते हैं सर युति, या आप बोल सकते हैं एक ही घर में बैठे हुए ग्रह, जिसे आप ट्राइन भी बोलते हैं, जिसे आप ट्राइन भी बोलते हैं सर। जो ये ट्राइन आपका बनता है, ये किसका बनता है? ये 159 का ट्राइन है, 2610 का ट्राइन है, 3711 का ट्राइन है, आपका 4812 का ट्राइन है। ये जो हम लोगों के प्लेनेट है, चाहे प्लेनेट एक ही साइन में युति कर कर बैठे हैं या अपने से 159 कर कर बैठे हुए हैं, तो हम लोग उन प्लेनेट को बोलेंगे ये जो प्लेनेट है इनका जो रिजल्ट हमारी लाइफ में आएगा कितना आएगा सर? 100% आएगा, 100% आएगा। हम लोग ऐसा देखते हैं। जो 5 और 9 में प्लेनेट बैठे हुए हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि कौन सा प्लेनेट हमारा किस तरीके से बैठा हुआ है। अब इसमें भी कौन सा प्लेनेट किसकी तरफ को जाएगा सर, वो जो हम लोगों का महत्व रखेगा, वो आगे आगे जब हम लोग कोर्स की तरफ बढ़ेंगे तो डिग्री कल कि कौन सा प्लेनेट आगे है और कौन सा प्लेनेट पीछे है, इसमें हमारी ये चीज आ जाती है। अगर मुझे अब जुपिटर के बारे में कुछ जानना, जुपिटर के आगे मरकरी बैठा है, ये 5 डिग्री हो गया, ये आपका 8 डिग्री हो गया, तो जुपिटर किसकी तरफ पर बढ़ रहा है? जुपिटर मरकरी की तरफ पर यहाँ पर बढ़ रहा है, हम लोग इसको देखेंगे। अब यहाँ और मरकरी किसको छोड़कर आया हुआ है? मरकरी इसको छोड़कर आया हुआ है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला रूल हम लोगों का हो जाता है, घर में बैठे हुए ग्रह आप उसको साइन के अंदर बोल सकते हैं तो वो युति हो जाती है, या एक ही ट्राइन में बैठे हुए ग्रह, ट्राइन आपका कोई सा भी बन सकता है, इन चारों में से कोई सा भी ट्राइन बन सकता है सर। सबसे पहली ये जो चीज मुझे बेसिक के रूप में जाननी बहुत जरूरी है कि इसको बन यूज किस तरीके से करना है हम लोगों को, ठीक है सर। अब इसके बाद जो ये तो हुआ हमारा पहला, तो दूसरे नंबर पर हम लोग बोलते हैं 12th का रिलेशन। तो सर जो ये दोबारा 12th, हाँ 2 12 का सर, पहले 12 समझाती हूँ उसके बाद 12 का क्या रिलेशन है सर। जो 12 में बैठा हुआ ग्रह है ना, वो आपका बैक बताता है, वो आपका बैक बताता है, आपकी हिस्ट्री के बारे में बताता है कि आपकी हिस्ट्री कैसी रही है, या आप किसी भी काम को यदि करने जाएंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे या नहीं फील करेंगे। एग्जाम्पल के लिए सर ये आपका सैटर्न है, सैटर्न हम लोगों को पता है कर्म के बारे में बताता है। यदि सैटर्न के पीछे 12th में मार्स बैठ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये 12th हो गया। जैसे आप चार्ट भी बनाते हैं इस तरीके से, मान लो हमारा चार्ट बन गया सर, है ना, ये आपका सैटर्न बैठ गया, ये आपका पीछे मार्स बैठ गया, वो हम आगे आगे प्रेडिक्शन पर आएंगे। तो ये किसके बैक में है? सैटर्न के बैक में है मार्स, और मार्स को आगे कौन मिल रहा है? शनि मिल रहा है, वो उसका 2 है। आज अभी जो हम बात कर रहे हैं 12th की बात कर रहे हैं। सैटर्न के बैक में कौन है सर? मंगल है। तो हम लोग बोलेंगे प्रोफेशन में ना आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे हम इस तरीके से, क्योंकि जिसके 12th में, यदि 12th में उसके फ्रेंड बैठे हुए हैं तब तो वो कंफर्टेबल महसूस करेगा, अदरवाइज वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा।
सेम इस तरीके से भी देख सकते हो सर इस चीज को आप, कि फ्रेंड अभी एनिमी कोई व्यक्ति, पराशरी जैसे होती है वो अभी करवाऊंगी सर मैं, अभी वो। सारी चीज बताती चल रही हूँ मैं आपको कि किस तरीके से हम लोगों को ये चीज देखनी है। अब सर मान लो ये जुपिटर है, अभी इसमें हम जीव के रूप में लेते हैं, वो सारी चीजें भी मैंने बतानी है, लेकिन पहले कुछ बेस समझा दूं। सर ये जुपिटर है, अब जुपिटर बैक में कौन है सर? सन है, इसका फ्रेंड है, तो कैसा फील कर रहा है आकर? एक कंफर्टेबल फील कर रहा है, अच्छी फैमिली में जन्म हुआ है व्यक्ति का यहाँ पर, ठीक है ना? ये चीज हम लोग यहाँ पर जानते हैं। सब बैक कैसी है, किसी भी प्लेनेट की बैक कैसी है, वो हम लोग इससे, अब यही बैक को अगर पकड़ना है, अगर किसी फीमेल के चार्ट में उसके हस्बैंड के बारे में मुझे कुछ जानना है, तो मार्स की बैक देख लो, ठीक है ना? मार्स का आगा कैसा है भाई, जब वो उसकी लाइफ में शामिल होगी, शादी करेगी तो। अब सर एक चीज और भी होती है, ये हिस्ट्री का हम लोगों का मतलब क्या है? अब सर ये बात हो गई मेरी, ये सन है, ये राहु है, ठीक है ना? अब सर एक बच्चा पैदा हो रहा है, हम लोग जब इसके अंदर भृगु नंदी नाड़ी में कारक पकड़ते हैं, तो सर यही जो सन है ना हम लोगों का, सन को ही आप पिता भी मानेंगे, सन को ही आप पुत्र भी मान लेंगे, ठीक है ना सर? अब सर मेरा जन्म हुआ, मैं मेरा जन्म हुआ है, तो जब मेरा जन्म हुआ है तो मेरे फादर तो ऑलरेडी है ना, तो ये जो बता रहा है ना, जो अब यहाँ पर मेरा हो गया, यहाँ पर आप मान लो जुपिटर, एग्जाम्पल के लिए जुपिटर हो गया, तो ये क्या बता रहा है सर मुझे? सर जब मैं ये बीच की स्थिति में हूँ सर, मैं एक बच्चे को डिलीवर करने लगी हूँ, मेरे बेटा हो रहा है, ये मेरा बेटे का आगे है, ये मेरे बेटे की पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा है सर, ये मेरे बेटे की पास्ट लाइफ के बारे में। लेकिन जब मैं मतलब मैं पैदा हो चुकी हूँ, मेरे पिता है, तो ये मेरे पिता की लाइफ के बारे में पीछे का बता रहा है कि मेरे पिता की लाइफ कोई खास नहीं, या मेरे पिता कहीं और से आकर यहाँ पर रहे हैं, तो मेरे पिता की बैक कैसी रही है सर? एक दिक्कत वाली बैक रही है। दिक्कत वाली बैक किससे लेंगे सर हम लोग? मैलेफिक प्लेनेट से लेंगे। किसी भी चीज की बैक में क्या है, ये चीज हम लोगों को बताता है आपका बैक, हिस्ट्री, हिस्ट्री बताता है आपका बैक, या आप कितना कंफर्टेबल फील करेंगे वो बताता है आपका 12th हाउस। किसी भी प्लेनेट्स के बारे में जानना है, यदि अपने बारे में कुछ जानना है, तो जुपिटर के बैक में देखिए कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है। ये चीज हमारी, सर यहाँ तक कोई दिक्कत है मैम? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो प्लीज क्लियर करिए। आप अपने कैमरे खोल सकते हो, आप लोगों की फोटो नहीं आएंगी, मुझे भी सही लगेगा बात करने में सर। मेरे इसमें अभी ऑप्शन नहीं मैडम, 2-3 दिन हाँ में कुछ होगा नहीं होता सर। मैम इसमें कोई मैडम। डाउट है तो प्लीज क्लियर करिए। सपना मैम आपका कोई डाउट हो, ये बैक का तो ठीक है, पर इसमें जुपिटर जैसे यदि रेट्रो हो तो अभी सर एक मिनट के लिए, अभी मुझे फिलहाल ये सिंपल समझाऊं, मैं ओके एक बार ये समझा, उसके बाद रेट्रो का भी ले रही हूँ चैप्टर, अभी तो समझाने लगी हूँ ना मैं आप लोगों को। बैठो प्लीज। दोबारा बोलो मैम, दोबारा बोलना मैम, बात नहीं समझी मैं, मुझे कुछ बोले? ठीक है ऑडियंस मनीषा मैम यहाँ तक, ठीक है यस मैम। हम लोगों की हुई, ठीक है सपना मैम यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक की कोई डाउट हो तो मुझे बोलना। ये मतलब पीछे बैठा हुआ प्लेनेट हम लोगों का बताता है। अब मैम इसी में ही, अब जब हम लोगों को आ जाएगा तीसरे नंबर पर जो पॉइंट आएगा, मैं ये जो हम लोगों का है, इसका हम लोग बोलते हैं कितना परसेंट का रिजल्ट है मैम? 25 to 30% का रिजल्ट आता है बैक में बैठे हुए ग्रह का। ये क्या बता रहे हैं मैम? हिस्ट्री, आपका कंफर्ट लेवल बता रहे हैं यहाँ पर हमारा। ये अगर ये बेस समझ में आ गया पूरा, BNN कारक तत्व और इनके ऊपर चल रहे हैं मैम। अब आगे की बात करते हैं, तो आगे की बात है, ये तो मैंने आपको 12th बताया, अब मैं जो बात करूंगी मैम आपके सेकंड की बात करूंगी। सेकंड में बैठे हुए प्लेनेट का मैम हम लोग कहते हैं एक 90% का रिजल्ट है। सेकंड में बैठे हुए प्लेनेट के आगे लिखिए आप मूवमेंट ऑफ प्लेनेट, मूवमेंट ऑफ प्लेनेट की मूवमेंट कैसी है, मूवमेंट कैसी है आपकी आगे जब बढ़ रहे हैं। अब यहां पर देखा जाए तो मैम ये क्या है? सन है, सन किसकी तरफ बढ़ रहा है? जुपिटर की तरफ पर बढ़ रहा है, जुपिटर कौन है? इसका फ्रेंड है, तो मूवमेंट कैसी हो गई मैम? एक अच्छी मूवमेंट हो गई है हमारी। और अगर इसी को मैं हटाकर केतु लिख दू, तो मैम इसको भी हटाती हूँ, फिर क्या पॉलिटिशियंस के लिए अच्छा होता है, यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह पर यहाँ पर सैटर्न लिख दू, तो मूवमेंट कैसी हो गई है हमारी? हमारी गलत हो गई है, कहीं ना कहीं एक दिक्कत आ गई है मूवमेंट के बीच में, ओके जाके सर है ना सर? अब मैं चल रही हूँ, चलते अब मैं एक पार्टी में गई सर, तो यहाँ पर क्या हुआ सर, सैटर्न के साथ में यहाँ पर जुपिटर भी बैठ, ये सन के इधर पे आगे पर जुपिटर भी मिल गया मुझे, सैटर्न भी मिल गया। एक सर भाई, एक को देखकर तो मेरा मूड खराब हो गया, और अच्छा हुआ भाई तू भी आया हुआ है, नहीं तो पूरी पार्टी में तो मैं परेशान ही रहता इसकी शक्ल देख देख कर। ये वो वाली बातें हो गई मैम हम लोगों की, मतलब ये दो दोस्त है आगे के रास्ते में, इसको मिल गए, चलो भाई आगे का सफर कैसा है, चलो कुछ तो रिलीफ मिलेगा मुझे आगे के सफर में, ये वो वाली बातें आ जाती है मैम हमारी। ये है मूवमेंट सर, मूवमेंट ऑफ प्लेनेट।
प्लैनेट की मूवमेंट कैसी होगी वो बताएगा सर, इसका सेकंड 90%। सेम इसी तरीके से सर, जैसे हम लोग सैटर्न को लेते हैं कर्म के लिए, कर्म में उसको मूवमेंट कैसी है। अब कर्म की ही बात करी जा रही है सर, खाली रास्ता दिख गया, तब भी तो मैम कहीं ना कहीं दिक्कत ही है कि ना कोई साथ, ना सर देखो कोई लड़ने के लिए भी नहीं है हाँ कोई दिक्कत मूवमेंट में। चलो एक दो यहाँ पर अगर मैं शनि के अगर मंगल मिल जाता, चलो कुछ तो था लड़ने के लिए, एक बात तो होती, चाहे लड़ाई के रूप में ही होती, लेकिन कुछ भी नहीं होता, तब भी एक खाली रास्ता है भाई। हम बोलेंगे यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें आएंगी, वो खाली का वक्री का ये सब मैं अब धीरे धीरे क्लियर करती जा रही हूँ। ये चीज है सर जो हम लोगों की सेकंड की बात हो जाती है। अब इसी में मैम हम लोगों का, और ये हुआ हम लोगों का आपका सेकंड ये 90% वाला। चौथे नंबर पर मैम हम लोगों का आ जाता है सेवंथ एस्पेक्ट, जिसको आप बोलते हैं मॉडिफिकेशन सपोर्ट सिस्टम। क्या मुझे किसी की सपोर्ट मिलेगी या मुझे किसी की सपोर्ट नहीं मिलेगी। मूवमेंट में तो ठीक है, आपको दुश्मन भी मिल गया चलते 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 चलते, फिर भी क्या कोई सपोर्ट है। सैटर्न है, अब मैम यहाँ पर सैटर्न बैठा है, सैटर्न को यहाँ से मरकरी की सपोर्ट मिल जाए, वीनस की सपोर्ट मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो गया मैम। ये सैटर्न तो हमारा बेशक देखो एक दिक्कतों का सामना करता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन आगे क्या हो गया, दोस्तों का सपोर्ट मिल गया भाई मुझे पूरा। दिक्कत तो मैंने कर्म के बीच में जो भी काम शुरू किया। मैं म्यूट करना जिसके यहाँ से आवाज आ रही है, रजनी मैम म्यूट करना। हाँ तो ये तो सपोर्ट तो मुझे अच्छी मिल गई ना कहीं, ये चीज है, ये हो जाती है हम लोगों की सपोर्ट। तो जब इस सपोर्ट को समझना होता है ना, तो इस सपोर्ट को समझने के लिए मैम हम लोगों को ना प्लैनेट के बारे में पता करना होता है। तो इसके अंदर जो बीएनएन है ना हमारा, तो इसके अंदर हम लोगों के ग्रह चलते हैं मैम, देव ग्रह चलते हैं और राक्षस ग्रह चलते हैं। अगर देव ग्रह की बात करूं तो देव ग्रह कौन कौन से हो जाएंगे आपके इधर, देव ग्रह। तो देव ग्रह हो जाएगा आपका जुपिटर, सूर्य, बुध चंद्र, मंगल, केतु। ठीक है सर, ये आपके देव ग्रह में आ जाएंगे। अब आ गए केतु आपके, भी हाँ इसमें आते सर है तो देव ग्रह में ना सर, कहीं ना कहीं पर राहु, शनि, आपका शुक्र, बुध। सर ये आ गए हम लोगों के दानव ग्रह में, केतु यहीं पे लिखा गया है सर। केतु को थोड़ी इसके तरीके से माना जाता है आपके मंगल के वो तरीके, स्पिरिचुअल और होता है। वो के उसका चेला भी हो गया गुरु का, तो इस वजह से ये यहाँ पर सर हम लोगों ने ले लिया। अब मैम मैं कोई भी जब डायरेक्शनल चार्ट बनाती हूँ यहाँ पर, आप ये समझना एक तरफ पर गुरु बैठ गया है यहाँ पर, और आपका यहाँ पर चंद्रमा बैठ गया है, तो मैम गुरु को चंद्रमा की सपोर्ट अच्छी मिलेगी या फिर कैसी रहेगी, आप बताओ। तो अच्छी ऐसे मिलेगी अच्छी सपोर्ट दोनों अच्छी मिल जाएगी सर यहाँ पर, सपोर्ट सिस्टम ही तो देखना। अब सर ये बैठ गया, इसके लिए कैसी सपोर्ट है सर, ये देव, ये तो अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। सीधी बात देखो समझ में आ रही है, एक प्लेनेट को ही तो पकड़ कर चीजें है। अब एग्जाम्पल के लिए ये शनि है मैम, गोचर करता हुआ आप सब लोगों को पता है, 3, 7, 11, 11 नंबर की राशि है। मान लो मैंने ये हिसाब किताब बनाया, ये हमारा यहाँ पर आ गया एग्जाम्पल के लिए, आए अपना यहाँ पर आएगा, लेकिन फिर भी बात समझिएगा यहाँ पर। अब ये है तो मैम सीधा देखो ना, अगर आपके चार्ट में इससे मिला है तो कैसी सपोर्ट हो गई है, एक बढ़िया सपोर्ट हो गई है कहीं ना कहीं पर। अगर आपका ये भी मिल गया है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, पर ये जो दिक्कत वाले प्लेनेट है, दिक्कत वाले प्लेनेटों का हम लोग आगे यूज करते चले जाएंगे। अब इसके अंदर हम लोगों के पास दशा अंतर दशा तो नहीं है, क्या है मैम, गोचर है। अगर हम वैदिक की बात करें तो वैदिक में भी मैम देखा जाए तो मेरा एक D1 चार्ट है, चाहे मेरे डिविजनल चार्ट है जिसको आप वर्गा चार्ट भी बोलते हैं, उनके अंदर भी तो मैं एक प्रोमिस ही लेकर आई हुई हूँ। चाहे वो प्रोमिस शादी का हो, चाहे वो प्रोफेशन का हो, किसी भी चीज का हो, वो फुलफिल कब होगा वैदिक में हम बोलेंगे दशा अंतर दशा में, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे मैम, गोचर। गोचर में मैं फोरन का योग लेकर आई हूँ, मैं शादी का योग लेकर आई हूँ, जो भी हमारे जो क्वेश्चन होते हैं कब ये इवेंट होंगे वो इवेंट, तो ये हम लोगों की चीजें जो ये आगे आगे आती भी रहेंगी हमारी धीरे धीरे, ये चीजें आगे आगे जब हम बढ़ेंगे तो अपने आप आती रहेंगी ये चीजें हमारे पास पर। तो ये चीजें कि सपोर्ट सिस्टम कैसा है, सपोर्ट यदि दोस्त का मिल गया है तो बहुत बढ़िया सपोर्ट है, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात बोल देंगे हम लोग। दोस्तों का सपोर्ट मिलता जा रहा है फिर तो बहुत बढ़िया कंडीशन हो गई है। अब सर इसको इस तरीके से भी समझिएगा, अब इसमें मैं थोड़ी सी बात क्लियर करूं सर, हम लोगों को पता है ये गुरु है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर बात करी जाए तो शनि भी है, तो सर इसको कहीं ना कहीं अच्छा योग बोला गया है, कर्मा धर्मापति योग बोला गया है मैम हमारा, ठीक धनपति अब पूरा है, कर्म धर्मपति योग हो गया सर, ये कर्म का लोड हो गया हम लोगों का, धर्म का लोड हो गया, तो ये भी हम लोगों का अच्छा बोला गया है मैम कहीं ना कहीं पर। अब ये देखो यहाँ पर चंद्र भी है और मंगल भी बैठे हुए हैं,
इसको थोड़ा सा ठीक नहीं बोला गया मैम। बेशक दोनों यहाँ पर दोस्त हैं, बात करी जाए तो दोनों यहाँ पर दोस्त हैं, लेकिन क्या होता है एक दूसरे की राशि में दोनों ही नीच के हो जाते हैं। हाँ इस वजह बराबर। से कहीं ना कहीं दिक्कत बोली गई है हम लोगों के गुरु और बुध का। मैम ठीक है, एक एजुकेशन के पर्पज से अच्छा, लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमियां इसमें भी है, वो आगे चलते चलते क्लासेस में होती रहेंगी हमारी कवर, तो कुछ ना कुछ कमियां भी हो जाती है मैम इसके अंदर। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए तो मैम ये बुध और चंद्रमा जो ये योग बनाते हैं हम लोगों का, ये योग भी सही नहीं बोला गया है हम लोगों का, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर ये दिक्कत दे जाते हैं हम लोगों का, ब्लेम लगवाता है मैम कहीं ना कहीं। कौन कौन ब्लेम लगवाएगा आपका? चंद्र और राहु की कंजंक्शन यदि आपके चार्ट में बनी हुई है मैम, ये क्या लगेगा हमारे ऊपर? आरोप की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं एक इल्जाम वाली बातें कर रहा है हम लोगों का। यहाँ पर ये जो ये बैठा हुआ है मरकरी और चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं मानी गई है। तो ऐसे में ये भी बोला जाता है बुध और चंद्रमा का योग यदि आपके चार्ट के अंदर है, तो ये भी बात बोली जाती है कि आपके बच्चे ही आपको कहीं ना कहीं धोखा दे देंगे, बच्चे ही कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं या किसी बात के पीछे धोखा दे देते हैं, ये चीज हो जाती है इसके अंदर यहाँ पर हमारे। लेकिन जो ये सूर्य है और केतु है तो इसे बोला गया है ध्वजा कीर्ति योग। किसके लिए जरूरी है मैम? पॉलिटिक्स वालों के लिए बहुत जरूरी है, पॉलिटिक्स वालों के लिए ये योग हम लोगों का बहुत जरूरी हो जाता है कि उनको चाहिए ये योग, क्योंकि उनको क्या करना है, ध्वजा लहराना है अपना, पॉलिटिशियंस के लिए जरूरी है, अच्छा माना गया है इसलिए ये वाला योग जो हम लोगों का हो जाता है। अब ये चीज आ जाती है सर कई बार हमारी की जो वैदिक वाले हैं ये हिसाब किताब बना हुआ है सर, सर यहाँ पर सूर्य की स्थिति बताइए कैसी है, सूर्य की स्थिति बताइए मैम एक बार, थोड़ा सा कुछ भी आप लोग बोलेंगे सन चाहे। डेबिलिटेड है। हाँ हाँ ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है, आप नीच का ही बोलते हैं ना इसको, सर नीच वैदिक की का बात, लेकिन आप ये बताइए सूर्य की स्थिति कैसी है, सो अच्छी है या दिशा बुरी है? बल अच्छी अच्छी है वैसे तो बल दिशा अच्छी है, दिशा एक एक बल करके। है। बिल्कुल बीएनएन के अकॉर्डिंग अच्छी है, वो जुपिटर से मनीषा मिल मैम, रहा है। मनीषा मैम रुक जाओ थोड़ा मैम, नीतू मैम बताइए कुछ, अनिरुद्ध सर बताइए एक बार, दिशा बल भी चलो ठीक है तो सर, दिशा बल के वो लिए येलो सर। देखेंगे मैम, टेंथ हाउस में है। ओके सर मैंने बात पलट दी, ठीक अब बताइए सर। है, फिर भी अच्छी है क्योंकि आगे जुपिटर मिल रहा है उसको। हाँ जुपिटर यहाँ पर जो हमने काम करना है मैम सारा ग्रह से करना है, किससे मिलकर आया है, किससे मिलने जा रहा है, किससे मिलने आया है, किससे मिलकर आया है मैम, किससे मिलकर आया है, दोस्त मार्स से मिलकर आया है, मार्स दोस्त से मिलकर आया है, किससे मिलने जा रहा है, दोस्त से मिलने के दोस्त लिए जा रहा है। अगर ये सपोर्ट सिस्टम बन जाए तो बहुत बढ़िया है मैम। अब मैम हम लोग कहेंगे पिता के पास पैसा अच्छा रहेगा, मैम बोलेंगे यहाँ पर कि तुम्हारे जन्म के बाद पिता के पास पैसा अच्छा रहा होगा, ये बात समझना मैम यहाँ पर पैसा अच्छा रहा होगा, लेकिन मैम अगर आगे ये प्लेनेट मिल गया होगा फिर आप क्या बोलेंगे? फिर आगे तो दिक्कत दिक्कत दिख गई ना, मतलब ये मूवमेंट कैसी हो गई है यहाँ पर। अगर वीनस को पकड़कर ही मैं कुछ बात बोलूं तो वीनस की बैक तो बहुत अच्छी है, लेकिन वीनस को आगे तकलीफें हैं अभी, ठीक है यूटिलाइजेशन कैसे है कैसे नहीं, एक सिर्फ अभी प्लेनेट पकड़ने वाली बातें हैं कि पकड़ना कैसे है प्लेनेट को, कि प्लेनेट को पकड़ना कैसे है हम लोगों ने, ठीक है। अभी तक यहाँ की कोई जो दिक्कत है मैम मेरे को ये चीज बताइए, जो मैंने ये प्लेनेट का समझाया, अभी यहाँ पे कोई दिक्कत किसी की भी बोलिए मैम। मैम एक चीज पूछना है, ये जैसे देव और दानव आपने लिखवाए हैं तो ये क्या मॉडिफिकेशन में ही देखना है? ये मूवमेंट में भी हमें देखना है, यही हमें हिस्ट्री में भी देखना है, यही हम लोगों को मॉडिफिकेशन जो सपोर्ट सिस्टम हो गया, तीन मिल गई ना मैम हम लोगों को। या अभी एक मिनट में चार्ट बनाती हूँ उसके बाद क्लियर हो सकता है हो जाए, उससे बार बार उससे दूसरा और उसका सपोर्ट सिस्टम, जिसको जिसके भी रिगार्डिंग बात है तो उसकी वो बैठी हुई है हम लोगों के पास चीजें। तो मैम इसमें फिर मैलफिक नहीं समझेंगे मंगल को, जैसे अभी सन के पीछे लिखा हुआ बिल्कुल था? बिल्कुल समझेंगे ना, बिल्कुल समझेंगे, लेकिन सन के पीछे मैंने मार्स लिख दिया, अगर बेशक ठीक है इसके बाद एक्सीडेंट भी है देने के लिए, इसके बाद सर्जरी भी है देने के लिए, लेकिन ये है क्या, इसका दोस्त है ना, हाँ जी कहीं ना कहीं तो चीजें सही भी देगा। अब मान लो ये जुपिटर है, जुपिटर हाँ जी के पीछे मंगल हाँ जी है तो कहीं ना कहीं दोनों दोस्त, ठीक दिक्कत देगा तो अच्छा भी देगा ना,
मंगल के जो के दो रूप है, हिसाब से अब इसी अंदर। तरीके से, इसी तरीके से मैम हम लोगों के पास हो जाता है एक्सचेंज प्लेनेट, एक्सचेंज प्लेनेट। अब मैम हम ये प्लेनेट है, मेरे पास मार्स हो गया और मेरे पास वीनस हो गया, किसी के भी चार्ट में सर मैंने देखा जो मेरा मंगल है ना ये बैठा हुआ है 2 या 7 नंबर में, और ये जो मेरा वीनस बैठा है 1 या 8 नंबर में, तो मैम हमने बोला ये एक्सचेंज हो गई, बस समझना मैम यहाँ पर कि हमने बोला ये एक्सचेंज हो गई यहाँ पर। अब वीनस के साथ मैम सैटर्न भी बैठा हुआ था, केतु भी बैठा हुआ था, एक्सचेंज होकर तो प्लेनेट यहाँ पर भी आ गया मैम। एक्सचेंज होने के बाद इसको मिला क्या, ये भी तो समझने वाली बात है, अगर चलो एक्सचेंज भी आप पढ़ रहे हो तो एक्सचेंज के बाद इसको मिला क्या, दिक्कतों के अलावा, दिक्कतों के अलावा मिला क्या। अब यही एक्सचेंज में इसको जुपिटर मिल जाता, इसको सन मिल जाता, तो मैम एक्सचेंज कैसी थी, एक्सचेंज बहुत बढ़िया एक्सचेंज थी, अच्छा एक्सचेंज एक बहुत बढ़िया एक्सचेंज हो गई थी हम लोगों की यहाँ पर बात करी जाए तो, जो आप लोग एक्सचेंज बोलते हो एक्सचेंज है, हाँ बिल्कुल है ना एक्सचेंज, लेकिन अच्छा एक्सचेंज काम कैसा कर रही है ये भी तो देखो ना, एक्सचेंज होने के बाद प्लेनेट को मिला क्या है, मिल क्या रहा है एक्सचेंज होने के बाद पर, ये वाली बात हो जाती है मैम। एक्सचेंज का कोई क्वेश्चन, उसके बाद मैं बकरी को समझाऊं आपको। दोबारा क्लियर बोलना मैम, ठीक है मैम। है याद, अभी तक मतलब यहां तक क्लियर, हाँ जी सर बोलिए अनुज सर। इसमें राशिज का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? नहीं सर हम कारक तत्व पे यहाँ पे ज्यादा हुआ है, ओके ठीक ठीक है। राशि का सर कितना, किसी राशि में बैठा है तो 25%, हाँ वो तो बराबर है। 25% का सर, ठीक है। अब सर अगर इसी तरीके से देखा जाए, आपने बोला रेट्रो, अब ये सर ये जुपिटर हम लोगों का रेट्रो हो गया सर, ये जो सेम वही वाली बात जो मैंने अभी एक्सचेंज समझाया सर, ये जुपिटर आ गया इधर सर, ये बकरी कैसा हो गया इसके लिए होना, मतलब अच्छा हो गया फिर इसके अच्छा हो हिसाब गया से। दोस्त मतलब मिल गया अच्छा हो उसको। गया ना, ये दोस्त बकरी मिल होना गया तो अच्छा हो उसको। गया ना, दोस्त बस समझ आया ठीक है। सर, मतलब वो बकरी उसको के मैम क्लॉकवाइज एक मिनट, घुमा देंगे अब। हाँ जी बिल्कुल, बकरी का जो रिजल्ट है ना, बकरी वाला प्लेनेट आगे का रिजल्ट 90% तक देने की क्षमता रखता है, लेकिन बकरी होकर यदि वो अपने अच्छे प्लेनेटों से मिला है तब तो सर बहुत बढ़िया चीज हो गई है हमारे लिए, यदि एक मिनट में, यदि वकरी होकर वो खराब से मिल रहा है तो चीज बदल गई। हाँ जी सपना मैम बोलिए, हाँ जी, इसमें हाउसेस का कोई मतलब नहीं है? जैसे ये सिक्स्थ हाउस में आया, उससे कोई लेना देना नहीं हमें है? जो यहाँ पर मतलब, नहीं, कोई मतलब नहीं अच्छा, है हमें यहाँ पर प्लेनेट की स्ट्रिंग से मतलब, मतलब वो किस अपने दोस्त से मिल रहा है या अपने एनिमी से मिल रहा है, एनिमी इससे से मिल रहा है मतलब इसी, बस अभी फिलहाल है? इससे हाँ ही दिक्कत जी, है हमें हमें, 6 8 12 से कोई लेना इतनी देना नहीं। बात नहीं, कोई बात नहीं यहाँ पे, ये चीज नहीं देखी हमें, ठीक है ना मैम। अब ये इस तरीके से हमारा आया है, मिलने किससे जा रहा है, किसको मिलकर आ रहा है, ये वाली थी। अब मैम यहाँ पर ये लगा लो, ये जो जुपिटर है, जुपिटर के साथ में हमारा केतु बैठा हुआ था, यहाँ पर हम लोगों का कुछ भी बेनिफिक प्लेनेट और बिठा सकते हैं हम लोग, केतु हो गया और क्या बिठा दूं सर यहाँ पर, मरकरी भी चलो इसके लिए सही है अपना, जब ये यहाँ पर केतु बैठा हुआ है सर, हाँ यहाँ पर केतु बिठा दिया हम लोगों ने। अब सर जो ये मंगल भी, मैं यहाँ से हटाकर चलो ठीक है, मंगल थोड़ा सा प्रॉपर्टी की भी बातें करेगा और सब बातें भी करता है, चीजें अच्छी है उसके पास देने के लिए, एक फिर भी एक समझाने के पर्पज से सर, अगर ये मंगल, ये जुपिटर रेट्रो होकर यहाँ पर जा रहा होता, ये जुपिटर रेट्रो नहीं है, रेट्रो नहीं है सर जुपिटर, सर ये रेट्रो होना ज्यादा बेहतर था इसके लिए या फिर डायरेक्ट चलता रहता ये ज्यादा बेहतर था इसके लिए डायरेक्ट चलता तो बेटर था, अपने फ्रेंड के पास ही जा रहा था। मैम, डायरेक्ट रेट्रो चलता अच्छा ना, था। रेट्रो होकर, रेट्रो ज्यादा रेट्रो ठीक होकर ये है। चीजें मिल गई हाँ हैं, रेट्रो आप बोले ज्यादा अच्छा क्योंकि एक था। नाम मिल गया ना, हाँ देखो शन हो गया शुक्र, हाँ एक नाम भी है और एक ठीक है पैसा भी मिल रहा है, ठीक है इन दोनों के बारे में अपनी प्रिडिक्शन है, वो आगे की बातें हैं, ठीक है, क्योंकि देखो अगर आगे चलकर जुपिटर मिलेगा किससे, मंगल के साथ में तो मैंने यहाँ पे लो राहु बिठा दिया, राहु भी और लो ज्ययादा राहु बिठा दिया, चलो मैम, वो फिर देव ग्रह में एक्सीडेंट भी अगर मैं मान रही हूँ लोग तो कहीं ना कहीं तो मैम क्या बनेगा मैम, देगा, एक्सीडेंट नहीं लोग कैसे बनता है मंगल राहु का? फिर समझे मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने कहा एक्सीडेंट लोग हो सकता है फिर मंगल हाँ राहु हाँ का। फिर वो तो फिर होगी ना, वो तो चीजें बन ही जाएंगी हमारे साथ में, जब ये तरीके का योग बन गया है हमारा, मतलब मूवमेंट में मिल क्या रहा है, अगर रेट्रो हो गया तो मूवमेंट ऐसे हो गई, नहीं रेट्रो हुआ तो मूवमेंट ऐसे हो गई,
मूवमेंट ऑफ प्लैनेट और आपका मोडिफिकेशन बहुत महत्व रखते हैं किसी भी चीज के लिए। ये अगर बेस पकड़ में आ गया आप पूरा बीएनएन खींच जाओगे। क्या चीज मैम? कारक तत्व, दो को ज्यादा सेवन, क्या हो गया मैम? ये मॉडिफिकेशन हो गया। सपोर्ट सिस्टम कैसा है? मॉडिफिकेशन। 12वें में बैठा प्लैनेट तो सिर्फ एक चीज बताएगा कि वो आगे जब आप आ रहे हो दिक्कत वाले रास्ते से निकल कर आ रहे हो या आपकी लाइफ में कंफर्टेबल है या नहीं। वो एक कंफर्ट लेवल बताता है चाहे वो प्रोफेशन के रिगार्डिंग हो। अब ये जीव भी आया, अब जुपिटर के पीछे पर लगा लो, यहाँ पर राहु बैठा था, तो जीव की ये पास्ट लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि कैसी जिंदगी से निकल कर आया है या इसे जब जन्म लिया है तो किस तरीके का हिसाब किताब होगा। भाई अब इसने जन्म ले लिया, आगे ये भी बैठा है, आगे ये भी बैठा हुआ है, ठीक है ना, आगे इसको मरकरी मिल गया, तो एक चीज अच्छी चलती हुई जा रही है ना हम लोगों की। ये चीजें अच्छी चलती हुई जा रही है हमारी। अभी मैम यहां तक के प्लीज क्वेश्चन क्लियर करिए, क्लियर किसी और का मैम, एक चीज पूछनी थी बोलिए मैम। मैम। वो सबसे पहले स्टार्टिंग में ना आपने एक बाप बेटे का वो करा था, तो वो कह रहा था कि यदि वो बेटा पैदा होता है तो उसका सूर्य पीछे राहु है तो उसका जो है फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, और बिल्कुल ठीक है। यदि उसके फादर का देखें तो फादर की फैमिली, फादर को दिक्कत आई होगी पीछे से, लेकिन वो मुझे देखो समझ मैं नहीं आया कि समझा रही हूँ, संपत्ति। मैं समझा रही हूँ। ये देखो अब मैं हूँ आप, ये मैं हो गई, ऐसे समझिएगा ये मैं हो गई, ठीक है मैम। मैं जब पैदा हो रही हूँ तो मेरे पिता ऑलरेडी हैं, बस सम हाँ या ना का जवाब दीजिए मुझे। हाँ जी मैम, हाँ पिता है मैम मेरे। अब आगे जो ये हाँ आगे की बात बताएगा, ठीक है, मेरे पैदा होने के बाद पिता के साथ कैसा हुआ ये वो आगा बताता है, अभी तक मेरे पिता की लाइफ में कैसा था वो ये बैक बताता है। बात समझ में आई ठीक है। मैम? ये चीज समझाना चाह रही हूँ कि भी देख, ये पिता तो, क्योंकि जब मैं पैदा हो रही हूँ पिता ऑलरेडी है ना, पिता की लाइफ संघर्ष वाली लाइफ रही है पीछे, जब मैं पैदा हो रही हूँ। मेरे पैदा होने से पहले पिता की लाइफ कैसी थी? एक संघर्ष वाली लाइफ थी। कैसी लाइफ थी? और मेरे आने के बाद क्या चेंज हो गया भाई? मैं उनके लिए एक अच्छी चीज लेकर आई हूँ या मैं उनके लिए खराब चीज लेकर आई हूँ? सेम इसी तरीके से मदर के बारे में भी जान सकते हैं आप, हस्बैंड के बारे में भी सेम इससे जानिए, क्योंकि अभी जब तक शादी नहीं हुई है तो हस्बैंड की लाइफ में बैक में क्या है वो उसका 12th बताएगा, आगे क्या होगा वो उसका 2nd बताएगा। अभी आपसे शादी करने के बाद उसको मिला क्या? अभी एक ही व्यक्ति के लिए मैम देखो, मंगल के आगे पर आपको ये मिल गया तो मैम शादी करना उसके लिए तो बहुत अच्छी वाली बात आ गई है। उसे अब पैसा मैम मिलेगा। अपने क्लियर हो मैम? अब ये देखो मैम, ये मिला हस्बैंड को आगे, मैम ये ज्यादा, ये अच्छा ना? दिक्कत वो तो बोलेगा कहाँ नहीं फंसा दिया मुझे शादी करवा कर, ये वाली बातें आ जाएंगी मैम। कहीं ना कहीं चेंज दिखा रहा है, कुछ ना कुछ मैम। दिक्कतें दिखा रहा है, और भी कई चीजें अच्छी। जातक बोलो को फिर बोलो, जातक को गुरु से देखेंगे जुपिटर से जब देखेंगे बच्चा जा, पैदा हुआ गया। जुपिटर से देखेंगे, ओके ठीक है, जुपिटर से देखेंगे बिल्कुल। अब मैम कई जगहों पर क्या चीज बोली जाती है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, सेल्फ के बारे में जब भी बात आएगी वो बात हमारी जुपिटर से आएगी, पहली बात। लेकिन फिर भी जब भी मेल के बारे में आपने कुछ, उसके ये जो जुपिटर है ना, इसी को पहले बोलती हूँ मैम, जुपिटर है चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आप ऊपरी रूप से दुनिया को कैसे नजर आते हैं वो है जुपिटर, दुनिया आपको कैसे देखती है वो है जुपिटर। और अगर बात करी जाए अंदरूनी रूप से, मंगल, ये किसके बारे में बात हो रही है मैम? मेल के रूप में बात हो रही है, लेकिन हमने जो देखना है हमने जुपिटर से देखना है। कई जगह ऐसी आएंगी जहां पर फीमेल को देखा जाएगा वीनस के द्वारा, तो वो मैं अपने आप आगे आगे क्लासेस में क्लियर करती रहूंगी कि कहाँ पर वीनस ऐड करो कहाँ पर क्या चीज करो। तो अभी जो हम लोगों की बात यहाँ पर है, तो मंगल जो ये मेल है ना, मेल अपने बारे में व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति खुद कैसा है वो आप मंगल से जान सकते हैं। फीमेल को यदि देखना है कि मैं खुद कैसी हूं तो वो वीनस से काफी अच्छे तरीके से, ये तो आप दुनिया की नजर में हो, ये तो आप दुनिया एक की नजर में। क्वेश्चन आप बिल्कुल बोलो मैम। करूं मैम, ये अभी आप जैसे मूवमेंट पढ़ा रहे थे तो मूवमेंट में ये प्लैनेट मिलते कब हैं? जैसे आपने मूवमेंट पढ़ा रहे हैं, जैसे सैटर्न का जुपिटर का तो प्रोग्रेशन में मिल जाते हैं, बाकी मूवमेंट वो सारे बाकी प्लेनेट अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं ना, ये प्लेनेट लिखे हुए हैं, बेशक एक डिग्री पे लिखे हुए हैं या कैसे भी लिखे हुए हैं, हाँ जी हम मैम। लोग ये नहीं कह रहे, ये तो हम लोगों का बाय बर्थ का एक चार्ट हो गया मैम, ये हम लोगों को एक छपी हुई कुंडली मिल गई,
लेकिन मान लो उसके थोड़ी सी देर बाद एक बच्चे का और जन्म हुआ, किसी प्लेनेट की डिग्री चेंज हो गई या किसी जी प्लेनेट ने अपनी मूवमेंट बदल दी, हाँ जी तो प्लेनेट तो रुके नहीं हुए ना, प्लेनेट तो चल रहे हैं, वो मिलेंगे आपका मूवमेंट में। मूवमेंट कब होगी? जैसे अब जुपिटर है, जुपिटर की एक मूवमेंट की बात आती है, तो कितनी साल की एक बात बोली गई है मैम? इसकी 12 साल की बात बोली गई है। अब 12 साल में भी जाने पर क्या वो एक ही हाउस में रुक जाएगा? तो ऐसा नहीं है। ये सारी प्रोग्रेशन की बातें जो हमारी आगे आगे आएंगी, आज तो हमारी स्टार्टिंग ही है, ठीक है मैम। ठीक है ना? अभी तो स्टार्टिंग ही है, ये हमारी ये सारी चीजें आएंगी, धीरे धीरे बढ़ेंगी आगे। आज के दिन ही तो प्रोग्रेशन नहीं आ जाएगा ना। नहीं, प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नहीं था मैम, हाँ, क्वेश्चन था मूवमेंट में मतलब मैं समझ डाउट। गई, मैं समझ गई आपका स्टार्टिंग है ना, टेंशन हो मैंने भी सकता फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास अटेंड नहीं करी थी। मेरा डाउट था कि भाई मूवमेंट जब हम पढ़ रहे हैं तो ये प्लैनेट आपस में मिलते कब, जैसे आपने कहा कि भाई ये हाँ चलेंगे तो इधर से मैम, जाएगा तो इनको इनसे टाइम मिलेंगे। में, युति में, इनमें मिलते हैं, टाइम एक साथ में मिलते हैं, बिल्कुल दो सही बारह में बात। मिलते हैं। बस एक मिनट रुको मैम, मैं अब आप लोगों को चार्ट बनाकर बता रही हूँ। अब आप लोगों ने मुझे बतानी है चीजें। आज जो चार्ट बनाएंगे हम लोग, इस तरीके से बनाएंगे मैम। पहले कोई भी मुझे चार्ट बोल दो। लगन में 6 हाउस, सिक्स लगन में 6 हाउस या 6 नंबर? नंबर, हाँ सॉरी, हाँ जी मैम बोलिए। फर्स्ट मैम फर्स्ट हाउस में राहु, शुक्र और मंगल, राहु, शुक्र और मंगल, बोलिए मैम आगे। और टेंथ में चंद्रमा, 10th साइन में या फिर हाउस में चंद्रमा, 10th हाउस में, और 11th में गुरु और बुध, और 12th में सूर्य और शनि। अब ये वाले प्लेनेट मैम हो गए सारे प्लेनेट हमारे कंप्लीट। अब मैं, यस मेरा मैम, 1 में कोई बैठा हुआ है? साइन की बात करती हूँ मैं यहाँ पर। 1 में कोई बैठा है? नहीं बैठा हुआ। क्या 5 में कोई बैठा है? हाँ मैम, फोन मिल गया मुझे, सन मिल गया है, सैटर्न, ठीक है मैम, सन मिल गया, सैटर्न मिल गया। अब क्या 9 में कोई प्लेनेट मिला मुझे? नहीं मिला हुआ। इसी तरीके से 2 में बताइए क्या कोई प्लेनेट बैठा है? नहीं बैठा हुआ। 6 में मुझे यहाँ पे राहु मिला है, वीनस मिला है, और मेरा मंगल मिला, मंगल मिला हुआ है यहाँ पर। 10 में क्या कोई मुझे मिल रहा है? तो 10 में मुझे कोई भी प्लेनेट नहीं मिल रहा। 3 की बात करूं तो 3 में मेरा क्या मिल रहा है मैम? यहाँ पर चंद्रमा मिल रहा है मुझे यहाँ पर। और 7 में मुझे कोई मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है। 11 में मुझे कोई नहीं मिल रहा है। 4 की बात करूं तो मैम कौन मिल रहा है मुझे? जुपिटर मिल रहा है यहाँ पर, और मेरा मरकरी मिल रहा है यहाँ पर। 8 की बात करूं कोई नहीं मिल रहा है। 12 की बात करूं तो यहाँ पर मुझे केतु, यहाँ पर मुझे केतु मिल रहा है। अब ये चीजें मैम मुझे मिली है यहाँ पर। अब मैम जो अभी तक हमने किया है, ज्यादा हम लोगों ने किसके भी, मुझे कुछ बोल रहे हैं? मुझे कुछ बोला है मैम? अब मुझे यदि जीव के बारे में कुछ बात करनी है, तो मैम ये जीव है, ये जीव है, क्योंकि जुपिटर यहां पर आ गया। अब ये जुपिटर की बैक कैसी है मैम? 12th में मून हो गया यहाँ पर। जुपिटर का मूवमेंट कैसी है? ये है जुपिटर की मूवमेंट। जुपिटर का मॉडिफिकेशन कैसा है? सपोर्ट सिस्टम कैसा है? ये रहा इसका सपोर्ट सिस्टम। जिस भी प्लेनेट के बारे में बात करनी है, अब मुझे मान लो मदर के बारे में कुछ बात करनी है, तो मैम ये मदर का 159 हो गया, मदर का 159 हो गया। मदर का 12 क्या है हम लोगों का? ये है। मदर का सेकंड क्या है हमारे लिए? ये है। सपोर्ट क्या है? ये है। अगर मुझे पिता के बारे में बात करनी है, तो मैम ये पिता हो गए हैं, ये पिता की बैक हो गई है, और ये पिता का सेकंड हो गया है, ये पिता का सपोर्ट सिस्टम हो गया। जिस भी प्लेनेट के रिगार्डिंग हम लोगों को बात करनी है, अब मैम यहां तक पहले क्लियर करो, जिस भी प्लेनेट के हम लोगों को बात करनी है। अब यहां पर अगर मैं पहले जुपिटर को उठा लेती हूँ, तो मैम ये जुपिटर है। हम लोग यहाँ पर अगर बात करी जाए तो ठीक है, एक ऐसी बात बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि जीव को ना एजुकेशन में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, या व्यक्ति बिजनेस करता होगा तो बिजनेस में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन सामने से एक सपोर्ट सिस्टम कैसी है? सपोर्ट सिस्टम के रूप में जुपिटर को कौन मिल गया मैम? वीनस मिल गया, मंगल मिल गया, जो जुपिटर के लिए अच्छा हो गया। अगर मरकरी की बात करी जाए, तो मरकरी को तो मैम वीनस मिल रहा है यहाँ सामने से। मरकरी को यहाँ पर राहु की जब बात करेंगे, तो राहु केतु में एक ही चीज को लेना है हम लोगों को, तो मरकरी को कौन मिल गया मैम यहाँ पर? वीनस मिल गया उसके उसके रूप में, एक फ्रेंड सपोर्ट के रूप में। तो ये चीजें प्रिडिक्शन क्या है, अभी जानेंगे हम लोग, आगे आगे सारी प्रिडिक्शन ही आनी है हमारी। मतलब अभी फिलहाल जो हम लोग जोर दे रहे हैं यहाँ पर, ये समझने पर
अच्छी चीज मिल रही है या खराब चीज मिल रही है हम लोगों को, इस चीज पर अभी हम लोग जोर दे रहे हैं। यहाँ पर अगर सूर्य की बात करी जाए तो मैम सूर्य को यहाँ पर चंद्रमा मिल गया, ठीक है। सैटर्न कौन है, सैटर्न की बात करी जाए तो ये कर्मा ही है, कर्मा को कौन मिला सर, मून मिला, तो हम लोग सही नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर प्रोफेशन में चेंज काफी दिखाता है भाई हम लोगों को, कर्म के अंदर काफी बदलाव दिखा रहा है ये हम लोगों को। जैसे यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ये मरकरी बैठा हुआ है, सामने से कौन देख रहा है, मंगल भी देख रहा है और साथ में इसके केतु भी बैठा हुआ, कहीं ना कहीं एजुकेशन में बिजनेस में कहीं ना कहीं दिक्कत दिखा रहा है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो पैसा तो कहीं ना कहीं से आ ही जाता है व्यक्ति के पास। ये वाली अगर मदर की बात करी जाए तो ये मदर भी है, तो ये सामने से ये भी मिल रहा है, सामने से ये भी मिल रहा है, मदर को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी और थोड़ी दिक्कत भी रहती है। वही जो मैंने आगे मिला था कि पार्टी में ये दो दोस्त अपना सामने से दिख गए, वहां खड़े हुए हैं, चलो ये दोनों आपस में कैसे हैं वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कैसी है, सूर्य को इससे मदद मिल गई, आपको मून को इससे मदद मिल गई, लेकिन सैटर्न को कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक ठीक है ना। हाँ जी सर, है मैडम। मैम आपने वो सही बोला, एजुकेशन में दिक्कत रही मेरे। मैम अभी तो कई सारी चीजें आएंगी और इसी में प्रिडिक्शन वो आप लोग भी करके दिखाओगे, मतलब जो चीज मैं समझाना चाह रही हूँ ना। अब यहाँ पर अगर वीनस की बात करो तो मैम वीनस के लिए अगर वीनस की आगे की मूवमेंट कैसी है थोड़ा सा बताओगे, अच्छी या खराब, हाँ अच्छी है नहीं है, बस अच्छी इतनी सी बात, मैम चंद्रमा सही नहीं है ना। देखो कहीं ना कहीं पर खर्चीला बिल्कुल हो गया सर, व्यक्ति, खर्चीला हो गया व्यक्ति, काफी ज्यादा खर्चा कर देता होगा व्यक्ति यहाँ पर, ये काफी पैसा उड़ाता होगा, कुछ भी बात हो सकती है चंद्रमा से संबंधित यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए पीछे से सब ऊपर से सपोर्ट सिस्टम देखो, वीनस को और कौन मिल रहा है, मरकरी दिख रहा है और जुपिटर दिख रहा है हम लोगों का, तो वीनस और जुपिटर मिल गया तो भी अच्छी चीज हो गई मैम। अब मैम एक चीज यहाँ पर देखो, ये चीज जो हमारी हुई है, अब हम लोगों का नेक्स्ट ईयर जुपिटर किस साइन में जाएगा, दो नंबर में। दो नंबर। अब सर हम लोग जैसे दशा अंतर दशा देखते हैं, यहाँ पर हम लोगों के पास जुपिटर है देखने के लिए और सैटर्न है, मतलब ये गोचर है आपका, नेक्स्ट ईयर सामने वाले का कैसा जाने वाला है सर, अच्छा होएगा फिर जाएगा मैम, बहुत अच्छा बढ़िया पैसा है। कैसा हो जाएगा, कैसा हो आएगा। जाएगा, अगर व्यक्ति इसका यूज कर रहा होगा तब की बात है, अभी तो आप फिलहाल अच्छा बोल सकते हैं मैम। जो उससे पिछला जब जुपिटर यहाँ पर था तो भी फिर भी ठीक था क्योंकि सामने से सपोर्ट था, हाँ सपोर्ट था, लेकिन इस टाइम अगर व्यक्ति पता है इस तरीके की बातें कर, जितना फिर भी पिछले साल ज्यादा अच्छा था ना, उतना अच्छा फिर भी यहाँ पे दिख नहीं रहा मुझे। हाँ एक जुपिटर आया है व्यक्ति के ट्रेवल भी दिखा रहा है हम लोगों को, अगर बात करी जाए ट्रेवल भी दिखा रहा है, व्यक्ति का एक नाम होता हुआ भी दिखा रहा है, लेकिन व्यक्ति को उतना काम नजर नहीं आ रहा जितना काम मेरे पास आना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके वाली बातें मैम, इस तरीके से कुछ भी 19-20 आपके साथ फिलहाल, मैम वो एजुकेशन वाला भी ठीक था, मदर वाला भी ठीक था, और ये ठीक मतलब कि मदर को मतलब अच्छा बुरा दोनों है, और है एजुकेशन का भी ठीक रहा कि मेरी एजुकेशन ज्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन अब थोड़ा सा मैं सोशल लाइन में आई हूँ तो अच्छा, कुछ मेहनत काम करूंगी करते हैं, तो कुछ काम करते हो आप या फिर घर पे ही हैं, हाउसवाइफ। अच्छा हाउसवाइफ है, ठीक है मैम, मैम ठीक है। चार लाखों की इस टाइम पीरियड पर हस्बैंड के काम में काफी ट्रेवल हो रहा है क्या, या कुछ चेंज है हस्बैंड के काम में, नहीं सॉरी हाँ सॉरी, जॉब चेंज। अच्छा ठीक है मैम, वो आगे पे अपना दिखेगा। हस्बैंड यहाँ पे सन है और सैटर्न है, जुपिटर यहाँ पर आया हुआ है, चंद्रमा, कुछ ना कुछ चेंज आपकी लाइफ में, कुछ चेंज नजर आ रहा है मैम इस टाइम पीरियड पर, कोई नहीं मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं, पर हाँ ये चेंज है कि नहीं। एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ। अच्छा मतलब यही चेंज आया है, कुछ भी मतलब काम नहीं करते हो क्या, या कुछ जिस किसी चीज को लेकर ना नहीं हुआ हो, पिता को इस टाइम पीरियड पर कुछ दिक्कत आई क्या, हाँ फादर की हेल्थ प्रॉब्लम है, काम तो उनका बंद ही है, मतलब काम ही नहीं चल रहा। मदर को कुछ दिक्कत, हाँ मदर को तो रहती है अभी। ठीक है मैम, ठीक है मैम आगे जान लेंगे, ये भी देखना मैम, ये देखो अगर बात करी जाए तो सैटर्न यहाँ पर है आपका हेलो और जुपिटर यहाँ पर है, अगर व्यक्ति कोई काम करता तो व्यक्ति का यहाँ पर नाम भी होता, हाँ जी होता कोई काम, लेकिन जुपिटर किसके पास आया, शनि से मिलने आया, चलो भाई चलो उठो उठो काम करो मैं तुम्हारा नाम करवाऊंगा, ठीक है। और हो सकता है व्यक्ति इस टाइम पीरियड पर काम को लेकर घूमना फिरना भी काफी हो जाता हो, या काम में कुछ ना कुछ चेंज करने की सोच रहा होता हो, ये वाली बातें हो जाती है मैम, कि कौन किससे मिल रहा है, कौन किसको मिलने जा रहा है मैम, ये एक तरीके से ना इसको कैरम मान सकते हो आप, कैरम नहीं होता मैम कैरम, ये कैरम है हम लोगों का,
मैम यदि मैं एस्ट्रोलॉजी करूंगी तो कुछ मतलब है सपोर्ट, मतलब कर सकती हूँ नाम उसी ठीक पर? है, यदि मैं एस्ट्रोलॉजी करूंगी तो क्या इसके फिर भी क्या मैं एस्ट्रोलॉजी को बिजनेस के रूप में बना सकती हूँ? सामने वाले के चार्ट का जवाब दो ना मनीषा मैम, मुझे जवाब देना, क्या सामने वाला व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी को बिजनेस के रूप में चला सकता है और पैसा बना सकता है, हाँ या ना? हाँ जी मैम मैम, अगर मैं सामने वाला हूँ। अगर मरकरी मरकरी केतु दोनों साथ में अगर ही मैं हैं। बोलूं कि मैडम एक प्लीज थोड़ा सा वास्तु ज्वाइन कर लेना तो भी सर बढ़िया रहेगा, या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ करती है तो बढ़िया रहेगा? बिल्कुल हाँ यस जी मैम, बिल्कुल जवाब मैम दीजिए मैम। पैसा क्या कमाएगा। मैम ये देखो, बिल्कुल अगर एक चार्ट का प्रॉमिस को चेक करूं, जुपिटर और केतु है, मरकरी हो गया, आपका बिजनेस के रूप में चला सकती है, बिल्कुल मैम सामने से सपोर्ट किसका पैसा आएगा? पैसा आएगा मंगल वास्तु का और क्यों बोला मैंने, वास्तु ये चीज भी आपको ऐड कर क्लियर हो गया होगा देगा। कि भी वास्तु को क्यों ऐड करना है, ये चीज है। ठीक है, ये सुंदरी चीजें हमारी। अब मैं पाल बोलूं ठीक है मैम, संशोधन एक एक मिनट के लिए रुकना, अब मैं बोलूं ठीक है मैम, अभी आप सीख रहे हो वो मैं जानती नहीं, हो सकता है अगर आप नेक्स्ट ईयर कुछ करेंगी ना, अगर एक चीज को अपना वो बना लिया तो मैम जुपिटर यहाँ पे जब आएगा, जो व्यक्ति ये सीख रहा है तो मैम क्या करेगा हाथ से? करेगा जी, करेगा, मैम, ये तो चलो अच्छा थोड़ी आगे की जाएगा। बातें हैं, वो अपना आगे सर गोचर वगैरह आप लोगों ने सीखना ही, एक सिंपल फिर भी टेक्निक। हाँ जी मैम, पूछना है कुछ? हाँ जी बोलिए मैम। मैम ये जो आपने ये वाला बनाया है क्रॉस ऐसे, ये वाला तो हाँ मैम इसमें जैसे 4812 ऊपर लिखा है तो हाँ इधर 159 भी लिख सकते हैं, या जहाँ पे जुपिटर लिखा होगा उसका वो वाला ऊपर लिखना है वो आप नंबर। ऐसा भी कर सकते हो, ये जो जुपिटर है ना इसकी जगह पर आप 159 कर सकते हो, या ऊपर नहीं चलेगा यहीं से, ये हम लोगों की जो डायरेक्शन है ना ईस्ट की दिशा हो गई, जैसे ये हमारे सन के हिसाब से किस देखना। सन के हिसाब से देख रहे हैं, मैं सिर्फ राशि उठा रही हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं भाई, जहां पर आपका जुपिटर लिखा हुआ है बात वही आएगी, आप जैसे मर्जी कर लें, उस लाइन को ऊपर लिख लो। उस लाइन को आप ना इधर पर कर लो, जिसके भी बारे में आप, मुझे जुपिटर के बारे में कुछ जानना है तो जुपिटर का 159 तो यही है ना, हाँ जी जुपिटर का बैक तो यही है ना, जुपिटर का हाँ मोडिफिकेशन ये मूवमेंट यही है, मोडिफिकेशन ये है, किसके भी बारे में मुझे जानना है तो उसका बारवा, अब ये क्या बता रहा है मैम, इसका 12th बता रहा है, ये क्या बता रहा है, इसका 2nd बता रहा है, बिल्कुल ये क्या बता रहा है, इसका 7th बता रहा है, ये इसके 7th के बारे में बता रहा है, ये चीज अगर देख ली ना मैम फिर गोचर पर लगा लो चाहे किसी भी उस पर लगा लो, आगे ठीक है प्रोग्रेशन आएंगे वो आगे, अभी बातें छोड़ेंगे उस बात की, अभी एक सिंपल एक बेस क्लियर करना है, क्योंकि मैम अभी मैं प्रिडिक्शन इसलिए नहीं, ठीक है आ जाएगी प्रिडिक्शन भी, अभी मैंने आपको कारक तत्व नहीं करवाए, तो जब तक कारक तत्व नहीं बताऊंगी प्रिडिक्शन होगी कैसे? फिर अभी ये देखो ये मरकरी है, हो सकता है ये केतु है, ये मरकरी है और जुपिटर एंड में बैठा हुआ है, अभी नहीं पता ना देखो हमें कुछ भी, जब वो मिलते हैं हमारे, ये वो वाली बातें आ जाती है, अभी तक इसमें जो मैंने आपको ये बेसिक क्लियर किया है, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज क्लियर करो, प्रिडिक्शन अभी आ जाएगी नेक्स्ट क्लास में, आ जाएगी प्रिडिक्शन, क्योंकि मैं कारक तत्व बता दूंगी, मतलब जो मैम ये चीज कि भाई प्लेनेट पकड़ना आया कि कौन अच्छा कर रहा है कौन खराब कर रहा है चीज को, कौन मेरे आगे के रास्ते में बाधा है, अगर जुपिटर की बात करूं केतु मरकर जुपिटर यहां से जा रहा है तो जुपिटर के रास्ते में बाधा कौन दिखा? कोई भी नहीं दिखा मैम, कोई नहीं दिखा मुझे जुपिटर के रास्ते में बाधा बनता हुआ यहाँ पे, वो कह रहा चलो तू आ तो सही, मैं तेरा नाम भी करवाऊंगा तुझे काम भी दिलवाऊंगा, लेकिन व्यक्ति को काम करना पड़ेगा, फिर जब ये यहाँ पर आया तो चलो भाई शुक्र है कहीं ना कहीं से ये भी मिला ये भी मिला, इसको साथ में चलता चलता शनि शनि को लाया सूर्य को लाया, ठीक है राहु, हो सकता है व्यक्ति कहीं फौरन चला गया, या व्यक्ति के पास फौरन काइंडनेस काफी अच्छी बढ़ गई, बढ़ रहा है ना प्लेनेट तो आगे 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 बढ़ ही रहा है बढ़ ही रहा है बढ़ ही रहा है, मैम ये वाली ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना, कैसे काम करना कैसे क्या, अभी रुक, अभी तक मैम ये मूवमेंट या जिसको इस चीज में दिक्कत है ना कि भी ये कैसे है क्या है वो बात करो, आज सिर्फ इतना ही करवाऊंगी, ये तो पूरा पूरा क्लियर है। पर अगर ये चीज क्लियर हो गई ना मैं बोलूंगी अच्छा हासिल कर लिया भैया ने, किस वजह से, क्योंकि सारा खेल इन पर है और बस इनकी प्रेडिक्शन कैसे है सर, कारक तत्व, प्रिडिक्शन कारक तत्व है, ये मैडम समझने का तरीका हो गया सर मेरा, इसमें पिन पॉइंट आ जाता है पूरा प्रेडिक्शन। काफी अच्छी प्रिडिक्शन आती है सर, अगर मैं बोलूं सर इसी टाइम पीरियड पर बच्चा पैदा हो जाएगा, सर देखो इतनी तो उस पर नहीं जा सकते मैं जो बिल्कुल क्लास के सामने भी, हाँ इतना पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस दिन हो जाएगा या ऐसे करके हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें हो सकती है, क्योंकि देखो चीजें डिग्री कली भी चीजें चल रही है,
यहाँ पर हम लोग जैसे बोल देते हैं जुपिटर आपका 10 डिग्री का बैठा हुआ है सर। अभी जब हम कहते हैं जो 5 डिग्री का होता है तो 2 साल कवर करता है, तो 4 साल इसने काट दिए मतलब एक घर में, तो आगे वो कितने साल में गया, वो आगे सही ठीक है सर, वो अच्छा, आ गया। मतलब मैं वही पूछ रहा था कि टाइमिंग ऑफ इवेंट पता चल जाता है ना। हाँ पता चल जाता है सर, आप ऐसा बोल सकते हो कि टाइम ऑफ इवेंट अच्छा पता चल जाता है कि भाई ओके, देखो हो जाएगा आपका काम। और जो दिक्कतें हैं फिर आगे रेमेडी है, कई सारी चीजें हैं सर, मतलब वो तो यूजेस दो भी है तरीके से उसके। चीजें, दो चीजें बात हो जाएंगी ना सर हम लोगों की, एक तो प्रोग्रेशन आ जाता है और एक गोचर आ जाता है, ठीक है ना। प्रोग्रेशन सारे प्लेनेट का ही है आप लोगों का, कौन बराबर है। पर वैदिक में आगे जैसे अगले। मैडम हम वो देखते हैं दशा महादशा, गोचर तो उससे बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चेंज होता है ना। सर जो दशा अंतर दशा है ना आपकी, जो दशा अंतर दशा में भी सर आपने नवतारा किया हुआ है, मेरी बात समझना, उसमें भी हाँ जो गोचर है आपने वैसे ही एप्लीकेबल करना है, जो भी मेरी दशा चल रही है फलानी दशा है वो किसके नक्षत्र में है, वो हाँ वो तो है ही, राइट। तो सबसे ज्यादा बेस्ट है सर दशा को ओके चेक करने के लिए, उसके बढ़िया टूल नहीं है। हाँ जी चलिए मैम इसको आप लोग करिए, मैम, अगर कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर करिए। हाँ जी मैम बोलिए। जो आपने एक्सचेंज बताया है तो इसमें बुध और चंद्रमा का एक्सचेंज है, तो किसका एक्सचेंज है दोबारा मैम बोलो क्या। बुध और चंद्रमा का, तो मैडम ये एक्सचेंज कब होता है, या वहीं पे जैसे चंद्रमा है तो वो फोर्थ में चला गया और बुध जो है थर्ड में आ गया, तो मतलब शुरू से ही रहता है, मतलब कोई टाइम पीरियड होता है या वहां पे, मतलब। नहीं, एक्सचेंज बन गया भाई। अच्छा हाँ अब मान लो ये आपका 3 नंबर के साइन में इधर चंद्रमा आ गया, 4 नंबर के साइन में लो मैम इधर भी है, जैसे ये चार्ट भी था ही, आपने सही बोल दिया, तो ये एक्सचेंज है। मून इधर अभी कौन प्लेनेट बैठा था आपका, जुपिटर ना, यस जुपिटर ही मैम, बैठा था ना आपका, हाँ यस मैम, इधर मरकरी केतु बैठा था, केतु मेरे ख्याल नहीं केतु नहीं तो जुपिटर नेचुरल था। सर। अब लेकिन जो ये जो मून को मूवमेंट हुई है, आप मेरी बात समझना, चंद्रमा जो गया तो मैम चंद्रमा को यहां जाकर क्या हुआ, दो चीजें मिली चंद्रमा को, एक दुश्मन मिला और एक दोस्त मिला, ठीक है। यस मैम, लेकिन मरकरी को क्या मिला एक्सचेंज कर कर, एक चेंज ही तो मिले हैं, मरकरी को मिला क्या एक्सचेंज करके, एक्सचेंज करके क्या कोई दोस्त मिला मरकरी को, कोई भी नहीं नहीं मिला। मैम, लेकिन चंद्रमा जो गया, ठीक है व्यक्ति को एक फ्लिकरिंग माइंड बनाता है व्यक्ति का कि भाई जब जुपिटर मून योग हो जाता है हम लोगों का, यही योग भी हो गया हम लोगों का, जुपिटर हो गया मून हो गया सैटर्न हो गया, व्यक्ति काम धंधे काफी बदलता है, व्यक्ति के माइंड में बदलाव काफी रहते हैं चंद्रमा के साथ में जुपिटर का संबंध होने से। एजुकेशन को लेकर एक चेंज भी दिखा दिया, एक्सचेंज ये काम करता है, एक्सचेंज होकर मिल क्या रहा है मून को, फिर भी देखो जुपिटर मून से मिल गया, हम बोलेंगे यहाँ पर व्यक्ति को एक मीठा खाने का भी शौक होगा, क्योंकि जुपिटर और मून का संबंध बनने पर व्यक्ति को मीठा खाने का शौक होता है, ये चीज है मैम, ठीक है। चलिए मैम मैं भेजती हूँ ये चीज आपको, फिर अपना परसों करते हैं क्लास, कारक तत्व और प्रेडिक्शन चालू करेंगे अगली क्लास से, है ना। थैंक यू मैम, बाय। मैम इसको इसमें इस पे साथ में नवतारा लगाए तो बहुत ज्यादा अच्छे प्रिडिक्शंस हो सर सकते अभी हैं। आगे लगवाऊंगी, ओके आगे ओके लगवाऊंगी जब, अभी तो सर क्योंकि शुरुआत है ना स्टार्टिंग तो है मैम। इतनी जल्दी नहीं ना। हाँ नहीं, ठीक है, हाँ मैं तो ठीक है सर, पूछ रहा था सर। मैं लगवाती हूँ ओके अगली बार लगवाऊंगी क्लास में, ठीक है सर। ओके ओके स्टार्टिंग अच्छी है मैम, का मूवमेंट का ही चार्ट है, नेक्स्ट टाइम थैंक यू लगा मैम। लेंगे। हाँ मैम